स्टार्टिंग डाउन टू वेयर द मैन स्टूड, वह व्यक्ति उसके पास निर्भयता से खड़ा हो जाता है। तो तुम्हारी हिम्मत मुझे नौकर बुलाने की कैसे हुई? वी ऑल सर्व वन अनदर, वी ऑल सर्व वन अनदर, हम एक दूसरे वी ऑल सर्व अनदर, हम एक दूसरे के सेवक कर हैं। सेड बबूकर, बबूकर ने कहा, शोविंग नो फियर, उस मतलब डर नहीं दिखाते हुए। एंड आई विल प्रूव इट टू यू बिफोर नाइट फॉल, और सांझ होने से पहले मैं तुम्हें ये सिद्ध करके दिखा सकता हूँ कि हम एक दूसरे के सेवक कर हैं, और सांझ होने से पहले मैं तुम्हें ये सिद्ध करके दिखा सकता हूँ। डू दैट, सेड द मोनार्क, उस राजा ने कहा कि ठीक है तो करके दिखाओ। फोर्स मी टू वेट ऑन यू, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। इफ़ यू कैन डू दैट, यदि तुम इसे कर सकते हो, आई विल हैव नॉट वन बट थ्री वेल्स डग इन योर विलेज, मैं एक नहीं तुम्हारे गांव में तीन कुएँ खुदवाऊँगा। बट इफ़ यू फेल, यदि तुम फेल हो गए, असफल हो गए, यू विल लॉस योर हेड, तुम तुम्हारा सर खोदोगे। इन योर विलेज, तुम्हारे गांव में, सेड द ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। व्हेन वी एक्सेप्ट ए चैलेंज, मैं जब तुम्हारा चुनौती को स्वीकार करते हैं। वी टच द पर्सन्स फिट, हम लोगों के चरण छुएंगे। लेट मी टच योर फिट, क्या मैं तुम्हारे चरण छू सकता हूँ। होल्ड माई स्टिक, मेरी छड़ी पकड़ो। द किंग टुक द स्टिक एंड द ओल्ड मैन बेंट डाउन एंड टच द मोनार्क फिट्स, किंग जो राजा है वह उसकी छड़ी को पकड़ लेता है और बूढ़ा व्यक्ति उसके पैरों में झुक जाता है और उसके पैरों को छूता है। Now you may give it back to me. अब तुम मुझे ये वापस दे दो। He said, straightening up, और वह सीधा खड़ा हो जाता है। The king gave him back his stick, और राजा उसको छड़ी वापस दे देता है। Do you want any more proof? अब भी क्या तुम क्या और भी कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता है? आस्केड बबूकर, बबूर ने कहा। प्रूफ सिद्ध, आस्केड द किंग, राजा ने पूछा। Bewildered, बेसुध होकर उसने पूछा। यू हैड माई स्टिक, जब तुमने मेरी छड़ी पकड़ी। वैन आई आस्क्ड यू टू डू एंड गेव इट बैक टू मी, वैन आई आस्क्ड यू फॉर इट, जब तुमने मेरी छड़ी पकड़ी तो मैंने तुमसे पूछा था उसको वापस देने के लिए। मी वैन आई आस्क्ड फॉर इट, और तुमने उसको वापस दिया। सेड द ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। एज आई सेड, जैसे कि मैंने कहा, ऑल गुड मैन आर सर्वेंट्स ऑफ वन अनदर, सभी अच्छे व्यक्ति एक दूसरे के नौकर होते हैं। द किंग वॉज सो प्लीज्ड विद द रॉयल सर्वेंट बबूकर विट, राजा उस रॉयल शाही नौकर बबूकर की बुद्धि से खुश हुआ। एंड डेयरिंग दैट, और उसकी हिम्मत पर, ही नॉट ओनली एंड वेल्स डग इन हिज विलेज, उसके गांव में उसने कुएं नहीं खुदवाए, बट आल्सो केप्ट हिम एन एडवाइजर, और उसे अपने एक सलाहकार के रूप से रख भी लिया। उसने कहा कि हम एक दूसरे के सब सेवक कर हैं। तो उसने कहा कि अब तुम प्रूफ करके दिखाओ। तो बूढ़े व्यक्ति ने दिमाग लगाया कि मैं अभी उसको प्रूफ कर सकता हूँ। तो उनकी एक शर्त रखी कि यदि मैं इसको प्रूफ कर दूँ तो तुम मतलब हमारे मैं तुम्हारे गांव में एक नहीं तीन कुएँ खुदवाऊँगा, और यदि तुमने इसको प्रूफ नहीं किया तो मैं तुम्हारा सर काट डालूँगा, तुम्हारे सर खोदोगे तुम। और बूढ़े व्यक्ति ने तभी उसे कहा कि क्या मैं तुम्हारे पैर छू सकता हूँ। तो राजा ने उसको अपनी छड़ी पकड़ाई, बूढ़े व्यक्ति ने उसको छड़ी पकड़ाई कि मेरी छड़ी पकड़ो, मैं तुम्हारे पैर छूना चाहता हूँ। वो उसके छड़ी पकड़ लेता है और वो उसके पैर छूता है, और जब वह सीधा खड़ा हो जाता है उसके मांगता है कि मेरी छड़ी वापस दो, तो उसको छड़ी वापस दे देता है। और फिर वह कहता है कि अब और भी सिद्ध करने की ज़रूरत है क्या? बबूकर पूछता है, उसने कहा कि तुमने सिद्ध क्या किया? जब वो बताता है कि मैंने तुम्हें कहा कि मेरी छड़ी पकड़ो तो तुमने अपनी छड़ी पकड़ी, मैंने तुम्हारे पैर छुए और मैंने कहा कि मेरी छड़ी वापस दो तो तुमने छड़ी दी। इसी तरह से हम एक दूसरे के नौकर ही हैं। तो राजा उसकी बातों से खुश हुआ और उसकी बुद्धि से खुश हुआ, और उसने उसके गांव में कुएं खुदवाए और उसको अपने सलाहकार के रूप में